हाँ तो बच्चों, आज हम ई के नए रूल्स लेके आए हैं। आज हम ई नए रूल्स के, इसलिए इनको ढंग से पढ़ना है। और यानी कि जितने भी मेरे चैनल के दर्शक हैं, यानी सभी के लिए हैप्पी होली। और यानी ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे नियम अगला। देखो, यदि किसी शब्द में ई डब्ल्यू आ जाए, क्या आ जाए? तो ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। जैसे एन ई डब्ल्यू को क्या कहेंगे? यू। एस ई डब्ल्यू को क्या कहेंगे? यू। और डी ई डब्ल्यू को क्या कहेंगे? यू। ऐसे ही अगला रूल देखें। यदि किसी शब्द में ई ओ आ जाए, क्या आ जाए? यू। तो ई ओ का उच्चारण होता है ईओ। क्या होता है? यू। तो ई अर्थात यानी ई ओ का उच्चारण क्या होता है? ईओ। यू। जैसे जी ई ओ जी आर ए पी एच वाई, इसको कहेंगे जियोग्राफी। इसको क्या कहेंगे? जियोग्राफी। जैसे जी ई ओ एम एम ई टी आर वाई, इसको कहेंगे जियोमेट्री। इसको क्या कहेंगे? जियोमेट्री। ऐसा ही अगला रूल देखें। देखो, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के यानी अंत में ई अर्थात ई अक्षर आ जाए, क्या आ जाए? तो ई साइलेंट रहता है, अर्थात कैसा रहता है? चुप, वो बोलता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी शब्द में यानी अंत में ई आ जाए, क्या आ जाए? तो वो साइलेंट रहता है, अर्थात उसको बोलते नहीं। तो इधर ध्यान दें, जैसे टी ए के ई को क्या बोलेंगे? अब इसमें ई से बोल रहा है क्या कुछ? तो ई कैसी है? साइलेंट। ऐसे ही एम ए के ई को क्या कहेंगे? इसमें ई से बोल रहा है क्या कुछ? अर्थात ई कैसी है? साइलेंट। ऐसे ही एच ए टी ई को क्या कहेंगे? इसमें ई से बोल रहा है क्या कुछ? तो ई कैसी है? आर ए टी ई को क्या कहेंगे? इसमें ई से बोल रहा है क्या कुछ? तो इसी जगह पे आपके ई उच्चारण के नियम समाप्त हो जाते हैं। और ये जितने भी नियम हैं आपको यानी घर पढ़ने हैं।